हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल का डायनेमिक लिंक कैसे क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से काफी लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ गया होगा कि ये डायनेमिक लिंक होता क्या है और इसका फायदा क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि इस डायनेमिक लिंक का फायदा क्या है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि इस डायनेमिक लिंक को आप अपना मोबाइल फोन से कैसे क्रिएट कर पाएंगे अपने YouTube चैनल के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले इस डायनेमिक लिंक का फायदा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन किया, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे नेहा कक्कर मैम के प्रोफाइल के अंदर हूँ और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें रिसेंटली 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका यूट्यूब चैनल का भी लिंक यहाँ पे ऐड है। तो दोस्तों, जैसे मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। उसके बाद दोस्तों, आपको पूरे ध्यान से देखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरे ध्यान से देखना है और समझना है। और दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टाग्राम के ब्राउजर में ही इनका यूट्यूब चैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है। और अगर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं लाइक करना चाहता हूँ, तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे लाइक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो मैं फिलहाल इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे इनके चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से यहाँ पे साइन इन करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप जान सकते हैं कि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि कोई भी वो अलग ब्राउजर में अपने ईमेल आईडी को साइन इन करके आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे अपने YouTube चैनल के अंदर डायनेमिक लिंक क्रिएट कर लिया है और ऐड करके भी रखा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोग को फायदा दिखाता हूँ कि डायनेमिक लिंक का फायदा क्या है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपने प्रोफाइल के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक ऐड करके रखा है। और जैसे कोई भी अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिडायरेक्ट हो चुका है यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, कोई भी अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहेगा तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से सब्सक्राइब भी कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि डायनेमिक लिंक का फायदा क्या होता है। और दोस्तों, इसका और एक फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, अगर आप अभी अपने YouTube चैनल के अंदर कस्टम URL क्रिएट करना चाहते हैं और अगर आपका 1 month अगर पुराना YouTube चैनल नहीं है या फिर उसमें 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने YouTube चैनल के अंदर कस्टम URL क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप डायनेमिक लिंक 0 सब्सक्राइबर में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप अभी चैनल क्रिएट किए तो अभी अपने YouTube चैनल के लिए डायनेमिक लिंक क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये डायनेमिक लिंक कैसे क्रिएट करना है फोन से, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरे ध्यान से देखते रहना है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने YouTube चैनल का डायनेमिक लिंक क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। और जैसे आप इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है फायरबेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं स्क्रीन में एंटर कर दे रहा हूँ, आपको पूरे ध्यान से एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों, इसको आपको एंटर करके सर्च कर लेना है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं firebase.google.com यहाँ पे आपको मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से एक नया इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऐड प्रोजेक्ट, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अपने YouTube चैनल का नाम ही एंटर करना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम एंटर कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का नाम आपको याद रखने के लिए। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अपने नाम को ही यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राहुल एंटर किया। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और फिर से आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट एन अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और क्रिएट प्रोजेक्ट का जो नीचे आपको ब्लू लाइन में एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 5 से 10 सेकंड तक वेट कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है आपको।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वीडियो को पूरे ध्यान से देखना और जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सेम फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आपका जो डायनेमिक लिंक है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सी ऑल फायरबेस फीचर्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक लिंक्स, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नीचे कमेंट करके बताना है, या फिर आपको इस वीडियो को शुरू में ले जाना है और फिर से देखना है। उसके बाद दोस्तों जैसे आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्टेड का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पे ऐड करना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने चैनल का, तो मैंने यहाँ पे डायनेमिक लिंक क्रिएट कर लिया है, तो मैं यहाँ से मेरा जो दूसरा चैनल है मैं उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम एंटर किया नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं फिर से एक ऑप्शन मिल जाता है आपको फिनिश का, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नया इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू डायनेमिक लिंक, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर से एक नया इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने चैनल का यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम एंटर करना है। जैसे कि दोस्तों मेरा मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे द स्मार्ट सिटी चैनल का नाम है, तो यहाँ पे मैं TSS डाल सकता हूँ। अगर आपका जो भी यहाँ पे चैनल का नाम है उसका यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम एंटर कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से कुछ भी यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो मेरा चैनल है स्टेटस चैनल है, तो मैं यहाँ पे फॉर यू इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लिंक यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको अपने YouTube चैनल का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने YouTube चैनल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा चैनल, यहाँ पे आपको 3 डॉट्स का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है, शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और लिंक यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं फिर से उसी पेज में आ जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपको अपने चैनल का लिंक पेस्ट करना है और नीचे आपको अपने चैनल का नाम एंटर कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपने चैनल का नाम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो चैनल का यहाँ पे डायनेमिक लिंक है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना, आपको सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आप इसको कुछ इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस लिंक को अपने इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हैं या फिर कोई भी सोशल मीडिया पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल का डायनेमिक लिंक बहुत ही आसानी से फ़ोन से क्रिएट कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाना है, वहाँ पे आपको मैसेज करना, मुझे DM करना है, मैं आपके चैनल का डायनेमिक लिंक क्रिएट कर दूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस डायनेमिक लिंक को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों दोबारा मिलता हूँ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।